प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भिवानी की थाना शहर पुलिस को आज उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस के हत्थे ऐसे व्यक्ति लगे जो मोटरसाइकिल चोरी करके उसे बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस ने उन तीनों को पकड़ लिया तथा उनसे पूछताछ की। उनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिल बरामद हुई। तीन युवक गांव खरक के बताए जा रहे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इन वारदातों में और भी व्यक्ति शामिल हों। थाना शहर के अंतर्गत जैन चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। सूचना मिली कि तीन व्यक्ति बावड़ी गेट पर चोरी की मोटरसाइकिल बेचने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। तीनों युवक मोटरसाइकिल लेकर आए तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया तथा उनसे पूछताछ की तो वो कुछ बता नहीं पाए। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सब कुछ उगल दिया। बताया कि वे काफी दिनों से मोटरसाइकिल चोरी का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने उनसे और सख्ती की तो वे उन्हें खरक स्थित अपने घर ले गए जहां उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करके रखी हुई थी। डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पुलिस ने सारी मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं तथा अभी पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति मोटरसाइकिल के मिस्त्री भी हैं तथा चोरी की मोटरसाइकिल का सामान बदल देते हैं। नौजवान युवक है तथा जल्दी पैसा कमाने की इच्छा ने इन्हें चोर बना दिया। उन्होंने बताया कि उक्त युवकों के साथ और भी लोग मिले हुए हैं। उम्मीद है उनका भी पता लगाया जा सकेगा, इसलिए पूछताछ की जा रही है। जो लड़के दुकान कर रहे हैं ये करीबन 2 साल से 3 साल से दुकान मिस्त्री की दुकान कर रहे हैं और जो नया लड़का इनके साथ में वो करीबन 2-3 महीने से है और वो ही महम और रोहतक से ज़्यादा मोटरसाइकिलें लेके आया है। भिवानी से भी इन्होंने 2-3 जगह से मोटरसाइकिल चोरी किए हैं। हम मोटरसाइकिल जो चोरी किए गए हैं उनके संबंध में पता लगा रहे हैं विभिन्न थानों से कि भी ये मोटरसाइकिल कहाँ कहाँ से चोरी किए गए हैं और इनका मालिक कौन है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। अंजाम कैसे देते हैं मोटरसाइकिल चोरी? ये जैसे मार्केट में मोटरसाइकिल खड़ी है, मिस्त्री का काम करते हैं और चाबी बना के नकली जो चाबी है वो लगा के और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ले जाते थे भीड़ भाड़ वाले इलाके से। ये दो आसपास के गांव के ही हैं और दोनों की अपनी अपनी दुकान भी है मिस्त्री की, तो ये आपस में ऐसा तालमेल कैसे हुआ इनका? जब दोनों मिस्त्री हैं तो आपसरी में आसपास के गांव में जो मिस्त्री का काम करते हैं वो स्वाभाविक है कि भी एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है, एक दूसरे से सामान लेते हैं और बेचते हैं या ठीक करवाने के लिए एक गांव में अगर मिस्त्री ना हो तो दूसरे के पास फोन कर देता है। यह स्वाभाविक है कि इनकी जान पहचान गांव में आसपास होने के कारण और मिस्त्री का काम करने के कारण हुई। भिवानी से साहिल गिरधर की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।